बिकू भाई, ये हमारा सिस्टर है तुलिका, तुलिका बिदी भाभी, ये हमारा पंटा लोग है। हेलो, तुम लोगों को मालूम है क्या करने का है? हाँ मालूम है, बैग चुराना है। ये देखो, ये वो आदमी है जिसका बैग तुम लोग को चुराने का है। चलो तो कल सवेरे 10 बजे। हेलो, मुझे असली खुशी तब मिलेगी जब मेरा ये नकली परिवार असली बन जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी पंकज और प्रीति की शादी से। हाँ, लेकिन पंकज से शादी का वचन मिलना बहुत जरूरी है। अरे तू टेंशन मत लेना भाईला, कल मैं कैसे भी करके पंकज से वचन लेके ही रहूंगी। पंकज जी, आपके लिए दूध। जी धन्यवाद, किंतु हमें दूध नहीं चाहिए। पंकज जी, कि आप रोज रोज अंकल की गाड़ी में क्यों जाते हो सोने के लिए? देखिए, अगर वहाँ आपको किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। देखिए, किसी और स्थान पर निद्रा लीन होना भी तो उचित नहीं है ना। क्यों, आप इस कमरे में सो सकते हैं ना? हमें ज्ञात है आप ऐसा क्यों कह रही हैं। क्यों पंकज जी, एक सवाल पूछूं आपसे? देखिए, आप ना ही पूछें तो उचित होगा, क्योंकि आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास है नहीं। नहीं नहीं, इस प्रश्न का उत्तर है और मुझे पूरा यकीन है इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे। देखिए, आप जैसे सन्नारी को एक ब्रह्मचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना शोभा नहीं देता। शुभ रात्रि। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन ये ब्रह्मचारी मेरे प्यार के मंदिर में जरूर आएंगे। से दिल दे दे, नहीं ते नहीं ते, शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा, चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम, जीना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। ओए होए होए, इकरार नहीं करना है, मान ले मेरा कहना, बाद में फिर ना कहना, देख मिला ले नैना, नहीं ते शोर मच जाएगा, चुपके से दिल तैते, नहीं ते शोर मच जाएगा, हाँ शोर मच जाएगा। मैं हो गई बदनाम, जीना सोच तू बच जाएगा, शोर मच जाएगा। Hoy, hoy.
करके मुझको कर देगी अब तू पागल। मेरा धीरज डोल रहा है लाज रखे गंगा जल। बोल सियावर रामचंद्र की जय जय जय। प्रीति जी हम आपसे शादी नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। भाई तू बोलेगी क्या बोलने के लिए हमको इधर बुलाया है? अपूर्वा आज सुबह मैंने एक बुरा सपना देखा कि पंकज जी ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। और सुबह के सपने तो सच होते हैं ना? हाँ सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं। अरे लेकिन अभी सुबह हुई कहाँ है, थोड़ा टाइम है। अपूर्वा सुबह के 7:25 हो चुके हैं और तुम कह रहे हो सुबह नहीं हुई? मैं सच कह रहा हूँ प्रीति, सुबह नहीं हुई, अभी थोड़ा समय बाकी है। भैया तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है तुलिका। तो मेरे सपने का मजाक उड़ा रहे थे अपूर्वा? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, अभी भी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन लेकिन सुबह होगी जरूर। मेरे सपने की सबसे प्यारी सुबह, जहां मेरा ये पूरा नकली परिवार असली हो जाएगा और हम इस छत के नीचे बड़े प्यार से बिना किसी से डरे रह रहे हैं। मैंने सपने में देखी हुई सुबह जहां प्रीति और पंकज की शादी हो चुकी है, वो सुबह अभी बाकी है। प्रीति प्रीति भगवान ने इस बार मुझे सिग्नल भेजा है, तो जाओ पंकज पर नजर रखो और तुलिका को पंकज से वचन लेने में मदद करो। गो। थैंक यू पूर्व। गो गो गो। अरे डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अंकल जी। अरे ये तकिया और चादर बाहर सोए थे क्या बेटा? प्रीति से झगड़ा हुआ है जी? हाँ अंकल, हमारा झगड़ा हो गया था। किस बात पर बेटा? वो अंकल, पंकज जी को पालक पनीर बहुत पसंद है और कल रात को डिनर में मैंने पालक पनीर बनाया था। मैंने खाया था, बहुत ही टेस्टी था, लेकिन इसमें नाराज होने की क्या बात है? अंकल टेस्टी था यही तो प्रॉब्लम है, पंकज जी के हिस्से में पालक पनीर आया ही नहीं। ओह, इसलिए वो नाराज हो गए। अच्छा अब हाँ, कहने लग गए कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ। ऐसा कहा तुमने, ऐसा कोई कहता है क्या? बेटा औरत के दिल को समझा करो। अंकल मैं भी तो यही समझा रही थी, लेकिन ये है कि समझते ही नहीं। प्रीति जी अंकल जी के समक्ष इस प्रकार का वार्तालाप उचित नहीं है। क्यों? हाँ क्यों, क्यों उचित नहीं है बेटा? हम मर्द लोग जो है ना, औरत के दिल को आज तक समझ ही नहीं पाए। मैं भी इसी तरह उषा पे नाराज हो जाता था, उसे बातें नहीं करता था, और आज जब उषा नहीं है तब जाकर मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो रहा है। प्रीति बेटा आज फिर से तुम पनीर पालक बनाओगी सिर्फ पंकज के लिए, खुश? जी बूब। ये तो खुश हो गए, लेकिन प्रीति भाभी अभी भी खुश नहीं लग रही है। हाँ तो उसे भी खुश कर देते हैं। पंकज बेटा प्रीति से कहो आई एम सॉरी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहो क्षमा कीजिए। बस क्षमा ही तो मांगनी है बेटा, आई एम सॉरी कह दो और फिर कह दो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कह दो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पंकज जी कहेंगे या नहीं कहेंगे? पंकज जी प्लीज सिर्फ एक बार कहिए ना, प्लीज प्लीज पंकज जी। प्रीति जी मैं आपसे प्यार करता हूं। अंकल लगता है शर्मा गए। अरे भाई दोनों शर्मा रहे हैं।
आज पालक पनीर प्रीति बेटा जी। तुमिका, मुझे लगता है मेरी और पंकज जी की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। हाँ, अपूर्वा का सपना जरूर पूरा होगा। अरे जरूर होगा सच। अब तो शर्माना बंद कर, ये पंकज के निकलने से पहले अपने को सारी तैयारियां करने की है। मैं जाके परेश को ढूंढती हूँ, तू जल्दी से रेडी हो जा। हल हल। वो झोला में से पैसा निकाल के छोटा बैग में डालता है। ये परेश कुछ भी करके उसको बोल के वो वाला नहीं और वो वाला बैग लेकर जाए। ये क्या किया दादा तू? झोला में से पैसा निकाल के बैग में डाल दिया। अगर ऐसा करेगा तो सब प्लान गड़बड़ हो जाएगा। प्लान? इस दुनिया में हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बना है, बस खाली जोड़ीदार मिलने की देर है। क्या हुआ? अब देख भाई, हचे हचू बोलू क्या? घोकल करे पे बहुत गंदा लग रहे हो। कोई बात नहीं, किंतु बाहर कितनी धूप है, हमें पहनने तो पड़ेंगे ही। धूप है ना? धूप तो आंखों के लिए अच्छी होती है। तेरे को मालूम नहीं, धूप से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। और तेरे को नंबर है ना? हाँ। तेरा नंबर भी कम हो जाएगा, बोल। ऐसा तो हमने पहली बार सुना कि धूप के कारण नंबर कम हो जाएंगे। तू असली का डॉक्टर है कि नकली का? नकली। मैं असली की जड़ी बूटी बनाती हूँ। तो मेरे को ज्यादा मालूम होगा ने? हाँ। तो फिर ये तो तेरे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, बाकी मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू कुछ भी पहन। ठीक है, आप इतना आग्रह कर रही हैं तो हम आपका सुझाव मान लेते हैं। देख लग रही है ना ज्यादा रोशनी। ये मेरे को दे दे, मैं रख लूंगी। हाँ, तू झादर को देर हो रही है ना। चाचा हेलो, भिकू दादा बंगाली बोलता है, कबूतर दाना लेके निकल गया है, तैयार रहना। हाँ। अरे तू मिर्ची डाल। अरे इनको जल की आवश्यकता है। अरे क्या गुंडोगोल करता है लोग। अरे अक्कल है कि नहीं, मेरी आंखों में क्यों डाला बेवकूफ, उसकी आंखों में डाल। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो तुम सा। क्या हुआ, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? अभी बताते रास्ता क्यों रोका, चले चुपचाप माल निकाल। देखिए आपसे निवेदन है कि आप इस धनराशि पर अपना अधिकार ना जताएं, क्योंकि इस पर अपना अनाथ बच्चों का अधिकार है। अबे खजूर, हमको अनाथ बनाने की धमकी देता है, चुपचाप पैसा निकालता है कि नहीं? देखिए हम अभद्र भाषा और हिंसा के विरुद्ध हैं, इसलिए आप चाहें तो ये राशि ले सकते हैं। है? ये चिल्ला मत है यहाँ से, हम लोग अभी आते हैं। चलो रे। ये खजूर तो ऐसे ही पैसा देने को तैयार हो गया, अब क्या करें? दादा, बंगाली दादा को फोन लगाते हैं। हाँ, बंगाली दादा। देखिए हमें अति शीघ्र आश्रम पहुंचना है, क्या हम प्रस्थान कर सकते हैं? अरे तू चुप बैठ वहां पे, शीघ्र कीजिए। हाँ दादा बोलो। दादा ये खजूर तो ऐसे ही पैसा देने को तैयार हो गया, ले लो। ना 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 ना, डायरेक्ट पैसा बिल्कुल नहीं लेना है, छीना जापटी करो, दिखना चाहिए असली है। सुनो, लाल मिर्च का पाउडर दिया है, वो उसका आंख में जरूर डालो, जरूर। हाँ, और पैसा छीन के भागो। ठीक है समझ गया, ओके। शाने, इतनी आसानी से नहीं लेंगे, मेहनत करके पैसा लेंगे, समझे? चले मिर्ची डाल। अरे तू मिर्ची डाल। इनको जल की आवश्यकता है। अरे क्या गुंडोगोल करता है लोग। अरे अक्कल है कि नहीं, मेरी आंखों में क्यों डाला बेवकूफ, उसकी आंखों में डाल। लूटो, मैंने कहा।
सामने जाके चिल्ला। बकरी के जैसे मेमे मामा मरता ना, कुछ अलग करके चिल्ला जा। मुझे कोई पानी तो नहीं। अरे हाँ, पानी में डुबो डुबो के मारूंगी। पंकज जी और पानी। भगवान थैंक यू, शाप हो गया। आंखें जल रही है ना आपकी। पंकज तेरा ये बैग। इतने से बैग के लिए तुलिका ने अपनी जान पे खेल। नासा बैग। प्रीति जी ये हमारी जमा पूंजी है, पूरे 52,000 रुपए नाथ आश्रम के बच्चों के लिए। क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब तुलिका ने इतना बड़ा काम किया है। आप कितने लकी हैं कि आपके पास तुलिका जैसी प्यारी बहन है जिसने अपनी जान पे खेल के आपकी ये जमा पूंजी बचाई। वो तो है। किंतु एक बात बताइए, आप दोनों यहाँ कैसे? वो एक्चुअली हम मार्केट गए थे ना, जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा गुंडे आपको पीट रहे, इसलिए हम आपको बचाने के लिए आ गए। हाँ। तुलिका जी हम आपके बहुत आभारी हैं। प्रीति जी आपके भी धन्यवाद। अरे पंकज जी आप कुछ और नहीं कहना चाहते? कुछ और? हाँ, आप दोनों यदि सही समय पर नहीं आते तो हम अपनी मेहनत की पूंजी गवा बैठते। धन्यवाद। धन्यवाद और क्या कहें। हाँ, हम सच्चे हृदय से भगवान से आपके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। है? क्या पंकज जी आप ये धन्यवाद प्रार्थना और कल्याण की पतंग उड़ा रहे हो? आपको कुछ और नहीं बोलना है? कुछ और हमें प्रस्थान करना चाहिए। अरे प्रस्थान हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कोई वचन वचन गिफ्ट में नहीं देने का है? कौन सा वचन? तू दशरथ के खानदान का है ने? तो जब कैकेयी ने दशरथ की जान बचाई थी तो दशरथ ने उसको वचन दिया था कि नहीं? तो वैसे ही कोई वचन नहीं देना चाहता तू अपनी इस बहन को? हम क्या वचन दे सकते हैं, हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। अरे ले, अपना तो जरा प्लान ही फ्लॉप हो गया। मेरी तो जिंदगी ही फ्लॉप हो गई। देखिए हम भी सूर्यवंशी हैं तो हम आपको एक वरदान का वचन देते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। राज जी बताइए आप क्या मांगना चाहती हैं? वो तो वक्त पर मैं मांग लूंगी। लेकिन तू याद रखेगा ना, तूने मेरे को वरदान का वचन दिया है। देखिए हमने अभी कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अभी आप जाइए। जब हम पंकज जी से वचन ले चुके हैं तो जो हमें चाहिए उसे मांगने में इतना टाइम पास क्यों कर रहे हैं? प्रीति ऐसे घाई घाई में कुछ नहीं होता, हर चीज के लिए टाइम चाहिए। अरे लेकिन कितना टाइम हो गया, तुम लोग कर क्या रहे हो? अपूर्व प्रीति मैं मिल चुका है। हाँ इसका मतलब शेर पिंजरे में आ गया है। अब देखना इस शेर से हम सर्कस के कैसे खेल करवाते हैं।